जरूर ले सकते हैं मॉर्निंग। हाँ जी, डाई मार दी है मॉर्निंग ने। हम लोग क्या करते हैं जब शादी पे जाना हो ना, तो सुबह का नाश्ता नहीं खाते। बट इन्होंने अपना कवर पहना है तो अभी पेट्रोल मिलेगा इंशाल्लाह। हमने सिर पे इसने कुछ मला हुआ है। बच्चे भी प्यारे हैं और कुकड़ी भी हमें प्यारी है। ओ जॉन बह जा। जॉन का करतब आपने देखा कि जॉन खड़ा हो गया था चलती साइकिल के ऊपर। गाइस सुबह हुई है, देखे मोरनी आवाजें लगा रही है, अपने मोर को ढूंढ रही है और मोर वो उधर छत पे। वो ऊपर चढ़ी हुई है। आए हाय, देखिए डारी यहाँ से जा रही है क्योंकि इस तरफ स्टेशन है। ये होती हैं जी सच्ची मोहब्बतें, अब समझ लगी है आपको। खैर व्लॉग को भी यहीं से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सामने की तरफ पानी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। उम्मीद है कि आप लोग सारे ठीक होंगे। तो अभी यही है कि जिधर भी रहें फिट फाट रहें, खुश बाश रहें। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए मैंने अजरक भी साथ ले लिया, क्योंकि पसीना आएगा तो पसीने को खुश करने के लिए लाजमी है। अभी हम चलते हैं जनाब बिलाल टाउन की तरफ, बल्कि शहर की तरफ चलेंगे, तो निकलते हैं जनाब इंशाल्लाह। मोरनी जी रोला डाल रही है क्योंकि उसको मोर बाबा नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी पंग में बड़ी हुई है और ये आवाज़ दे रही है। मोर जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है और मोरनी जनाब उसको आवाज़ें दे रही है। प्यारी मोरनी, अब देखिए मोर भी उस तरफ आएगा, अभी ये रोला नहीं डालेगी। ये देखें जी इसने मखाला मोर को अब देख लिया ना, अब उसके पास चली जाएगी और रोला नहीं डालेगी। वाह जी वाह। बाइक हमने जनाब यहाँ पे खड़ा किया जी, ये हमारा तैयार है जो कि हमें इंशाल्लाह सफ़र कराएगा जी। शहर जाते हुए रास्ते में जनाब ये दुकान है, ये वाली, ये पाक बेकर्स एंड जो भी इसका नाम है, यहाँ से पैकेज कराना है। थोड़ा सा पैकेज कराने के बाद मतलब पूरे वीक का हफ्ते का जो होता है वो करा के फिर आगे निकलते हैं जनाब। जो है ना हो गया है जी पैकेज होने के बाद, अभी आगे चलते हैं। मौसम सेट हो गया, बादल चादल बन गए हैं, देखे हैं रोड पे काफ़ी ट्रैफिक है इधर जनाब, बादल आ गए हैं तो सूरज जो है वो कवर हो गया कहीं पर बीच में, अभी इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। देखें जनाब क्या खूबसूरत मंजिल है, उधर पीछे धूप है और इधर जनाब जो है वो बादल टाइप का मौसम है और बड़ा दिलकश और ख़ूबसूरत नज़ारा है जी। दोस्तों जोहर की नमाज़ का टाइम हो गया है, आपको तो पता ही है क्योंकि जब मैं घर से निकला हूँ जोहर होने वाली थी। अभी जनाब वो सामने एक मस्जिद है, उधर मैं पहुँचने वाला हूँ, वो सामने वाली मस्जिद, तो उधर पहुँच के नमाज़ अदा करते हैं इंशाल्लाह और उसके बाद फिर आगे शहर की तरफ निकलते हैं हम लोग। ठीक है जी, ताला लग गया। नमाज वगैरह पढ़ ली है जनाब, ये उस दिन वाली मस्जिद जिधर उस दिन पढ़ी थी, ये वाली मस्जिद है। और जनाब अभी मोटरसाइकिल को अनलॉक करते हैं, वो हमारा जनाब खड़ा है बाइक और निकलते हैं जनाब आगे। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। दरख्त की क्या अहमियत है, ये बंदे को तब पता चलता है जब बंदा सही गर्मी में ऐसे घने दरख्त के नीचे खड़ा होता है ना, तो फिर उसको पता लगता है कि दरख्त कितनी ज़्यादा गर्मी को रोकता है, जज्ब करता है, आपको ठंडा साया देता है। हाँ हाँ हाँ, आगे चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलमेट ज़रूरी हो गया है वरना पेट्रोल नहीं मिलता है। हेलमेट इन्होंने अपना कवर पहना है तो अभी पेट्रोल मिलेगा इंशाल्लाह। पेट्रोल जनाब हमने डाल लिया है तकरीबन 220 रुपए के। हेलमेट डालने के बाद बालों की हालत भी ट्रिगर मिगर हो गई है। पर अभी आगे चलते हैं, मैं फूल बेकरी पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पेट्रोल पंप है जी, और हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा और हेलमेट इनका अपना है। वाजिब पाकिस्तान में मतलब नवे नवे कानून और तरीके ईजाद होते हैं जो कि बंदा देख के आराम रह जाता है। पेट्रोल डलवाने के बाद शहर की तरफ अपना सफ़र जी हमने शुरू कर लिया है, इंशाल्लाह शहर पहुंच के आपको मिलता हूँ। ट्रेन इस तरफ स्टेशन है इस तरफ, तो ये देखें यहाँ से जा रही है क्योंकि इस तरफ स्टेशन है और ये स्टेशन के तकरीबन पास है, इसलिए इसने अपनी स्पीड लो की हुई है क्योंकि इसने यहाँ पे नहीं रह के रुकना है, तो ज़रूरी काम करने के लिए करते हैं। गाड़ियों की जिधर रिपेयरिंग होती है उस तरफ मैं आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं जो कि मेंटेनेंस वगैरह गाड़ियों की जिधर होती है, ये लम्हे वो मार्केट है गाड़ियों की, अब नाम इसका मुझे नहीं पता। तो ये यहाँ से भी बाहर निकले, पहले इधर मैंने बहुत पैसे जाए क्यों हैं क्योंकि मैं इधर आता था जनाब स्टिकर लगवाने मोटरसाइकिल को, और ये करा लो और वो करा लो, फ्रां करा लो, टमका करा लो, ऐसे करा लो और वैसे करा लो। घर वापस आ गया हूँ मैं जी, और जनाब यहाँ पे मुझे देख के यार फिर
बड़ा इन पे प्यार आ रहा है यार, ये देखें सारे खुले हैं और कुकड़ी साहिबा जो हैं वो ऊपर चढ़ी हुई हैं। आए हाय हाय, देखिए डारी कुकड़ी की जी, ओए ओए तो तगड़ी कुकड़ी है और तगड़ी डारी लगाती है जी, माशाल्लाह क्या प्यारे सीखे हैं। हमने तो इसको पकड़ना है, बार ये पकड़ाता नहीं, चलें जो भी आ जाए जो भी आ जाए जी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो सही भाई, इसका पेट फुल है, इसका पेट तो सही फुल है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसका पेट, ये पेट नहीं, ये इसकी होती है क्या कहते हैं इसको यार, जो भी होती है बरत। ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा चूचा है कुकड़ी, आपका बच्चा है ये माशाल्लाह। अपने बच्चों के साथ ये कुकड़ी बहुत वफ़ादार है, लिटरली ये कुकड़ी जो है ना अपने बच्चों के साथ बहुत वफ़ादार है। लव यू कुकड़ी, खुश रहो। असल में यार मैं नहाया हूँ लेकिन पानी ठंडा नहीं आया, हालांकि मोटर भी मैंने ऑन की हुई थी। वैसे नॉर्मली जब हम मोटर ऑन करते हैं तो ठंडा बर्फ़ वाला पानी आता है, बर्फ़ से लेकिन थोड़ा सा काम है, लेकिन ठंडा पानी आता है। चेक करें जी, कुकड़ी मैंने उठाई है अभी, जान भाई बना रहे हैं, तो बच्चे जो है नीचे रोला चला डाल रहे हैं, अभी कुकड़ी को बिल्कुल नज़रों से वजह करूँ तो फिर आप देखिएगा इनका, अभी यही तरह आएंगे मेरी तरफ, ध्यान भी मारे नहीं। सबसे बेमिसाल है और जनाब ये देखते हैं माँ को पहले करते करते आते हैं, ज़्यादा देर नहीं अलग करना, बच्चे भी प्यारे हैं और कुकड़ी भी हमें प्यारी है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जाओ जी जाओ खाओ पियो मौज करो। जॉन दी हाय शाह जी के वीडियो बनाया है इस सस्ती जनाब, ओ जॉन बह जाओ। जॉन का करतब आपने देखा कि जॉन खड़ा हो गया था चलती साइकिल के ऊपर, तो बहुत खतरनाक करतब है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पास जी मगरब की नमाज़ पढ़ने के लिए भी मैं जा रहा हूँ, मगरब की नमाज़ पढ़ते हैं उधर जाके, जो इस साइड वाली मस्जिद है वहाँ पर इंशाल्लाह उधर मिलते हैं। ले जी रात का टाइम है तकरीबन 8:30 का, मुझे जाना पड़ेगा अर्जेंट काम से टनियाले के पास, थोड़ा क्रॉस करके बिलाल टाउन को पास कर लेंगे इंशाल्लाह जी, उधर चलते हैं। रोड पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है और लेकिन साइकिल की लाइट शुक्र है कि आप इसकी रोशनी ज़रा ठीक है, फिट है, तो हम उधर चलते हैं इंशाल्लाह। थोड़ी सी रोशनियों वाला इलाका आ गया है जी, थोड़ी सी आबादी वाला, मतलब जिधर लोग रहते हैं और अच्छी खासी आबादी है यहाँ पे, इस जगह पे हम अभी पहुँच आए हैं जी, और इंशाल्लाह आगे बुक करते हैं, फर्दर फर्दर आगे बुक करते जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कन्याले आए हुए हैं जी, बाइक गैसर बैंक में गए हैं और जनाब हम अभी फायर हैं, बाकी जनाब रोड पे अभी काफ़ी ज़्यादा रौनक शौनक है और लोग आ जा रहे हैं क्योंकि अभी 9 का टाइम है तकरीबन, तो बाद में हो सकता है ज़रा यहाँ पर रौनक कह रहे हैं कि मारे वाली साइड पर रौनक नहीं होती। गुड मॉर्निंग जी, हम उठ गए हैं और जनाब सुबह भी हो गई है, नाश्ता जनाब का मैंने अभी करना है, अभी अभी मैं नहाया हूँ और नहा के काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो गया हूँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे हैं जी हमारे पास प्यारे प्यारे चूजे और इस चूजे को देखें, इसने पता नहीं अपने आप को क्या किया हुआ है, ओह दोनों ने कुछ किया हुआ है जी, एक ये वाला चूज़ा ये देखें अपने सिर पर इसने कुछ मला हुआ है और एक और था ये यहाँ पर किधर गया जी वो वाला, उसने भी कुछ मला हुआ है, पता नहीं किधर लेते रहे हैं। बहरहाल जी कोई मसला नहीं, आपकी बहुत ज़्यादा याद आएगी यार, आपकी भी ये कुकड़ है, ये कुकड़ है, ये भी कुकड़ है जी, मुर्गा है ये भी, हाँ ये मुर्गी है, लगता सही है, ओह बाहर नहीं आना बाहर नहीं आना बाहर नहीं आना बाहर नहीं आना, ये देखिए इसको टंगे मार है ओ यार आप कितने प्यारे हो, वो इतना ज़्यादा पोट इसकी फुल भरी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह, सही इसने खाना खाया हुआ। जिस तरह हम लोग क्या करते हैं जब शादी पे जाना हो ना तो सुबह का नाश्ता नहीं खाते। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हुई है, देखें मोरनी आवाज़ें लगा रही है, अपने मोर को ढूंढ रही है और मोर वो उधर छत पर है, देखें मोरनी इसको आवाज़ें दे रही है लेकिन वो उधर छत पर है, अब दोनों एक दूसरे के लिए परेशान है सख्त कि जनाब कैसे मुलाकात होगी,
मोरनी देख रही है, मोर किधर है और मोर देख रहा है मोरनी किधर है। बहरहाल जी आपको इधर से मंजर दिखाते हैं जी, ये देखें जी वो छत के ऊपर है मोर और मोरनी ये इधर है। अब हर आवाज़ नहीं देगी उसको क्योंकि अब मोरनी ने उसको देख लिया मेरा ख्याल है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं जी आप सारे लोग? देखें मोरनी बोली है, आवाज़ दी है मोरनी ने दोबारा। हाँ जी वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है जी, कितनी प्यारी आवाज़ है मोरनी की, आवाज़ दे रही है लेकिन मोर को परवाह ही नहीं है। मोर नाराज़ तो नहीं हो गया कहीं से हैं? सोचने वाली बात है यार, ये भी उसके पास जाएगी कन्फर्म बात है। ये देखें ये जा रही है, ये है जी। असल में इसको समझ नहीं लग रही कि ऊपर कैसे जाऊँ, ये शायद रास्ता देख रही है, इसको ये पता लग गया कि मोर ऊपर है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सारे लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू दी व्लॉग, खुश आमदीद व्लॉग में जी आया हूँ जनाब। नैन साहब ठीक हो और सुनाओ? से ठीक है, सब खैर है, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। नैनी भाई भी जनाब इधर जा रहे हैं फसलों की तरफ, मैं जी इधर खड़ा हो गया हूँ, है तो इधर ख़तरा क्योंकि नीचे सांप शांप हो सकता है। बहरहाल क्या करें जी, हम रिस्क लेंगे मोरनी को देखने की खातर, मोरनी और मोरनी मोर का प्यार देखने की खातर ये रिस्क हम ज़रूर ले सकते हैं। मोरनी हाँ जी डाई मार दी है मोरनी ने, अब अंदर जाएगी यहाँ से शायद और अंदर से ऊपर उड़ान भरेगी और अपने मोर के पास चली जाएगी। सच्ची हम हफ्ता, क्या बात है यार, बड़ी खूबसूरत जोड़ी मोरों के साथ जी। आखिरी बुला गई ये समझ लें, इसके बाद जनाब आयात तो बाकी मुलाकात तो बाकी, हम जनाब मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला आज, तो फिर मोर पता नहीं कब हम नज़र आएंगे जी। ये वाले मोर वैसे नज़र आते रहेंगे लेकिन ये वाले जो जोड़ी है ये वाली कब नज़र आएगी, ये नसीबों की बात है जी इंशाल्लाह। एक चूज़े को मैंने बाहर निकाला है जी, इसके ऊपर हाथ फेर रहा हूँ और बाकी चूज़े भी आ गए हैं यहाँ पे, देखें सामने आसपास इनकी भी बाहर जाने की तैयारी है। तो इसको हम पकड़ रहे हैं, इसकी गर्दन पर हाथ फेरते हैं लेकिन ये नहीं फिरवाएगा जी, हम दूसरा चूज़ा पकड़ लेते हैं, शायद ये हाथ फेरने दे अपनी गर्दन पर। कितना अच्छा चूज़ा है जी, वाह जी वाह माशाल्लाह जी। कुकड़ी जा रही है पोले पोले पीछे और बच्चे उसके जमा हो गए हैं कि कुकड़ी बाबा के साथ क्या हुआ है। कुकड़ी आ गई है मेरे पास, बच्चे ज़रा देखते हैं क्या कंडीशन है बच्चों की, सबको दिखाता हूँ। कुकड़ी इधर बाहर है कि हमारी प्यारी मोहनी किधर गई है, ये देखें सारे बच्चे ने रोला डाला हुआ है, सारों ने रोला डाल दिया इनकी वालदा मुत्र में। हाँ जी क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो? अभी ये देखें सारे रोला डाल रहे हैं, आज प्यारे चीचू आज 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 देखें अभी अपनी वालदा को ढूंढने जाएंगे ये सारे चूचे, क्योंकि आवाज़ इनको बाहर से आ रही है लिहाजा ये सारे अब अपनी माँ के पास जाएंगे, सारे 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 ही जाएंगे। इसको तो खाने की पड़ी हुई है यार, जनाब नाश्ता मैंने कर लिया था, नाश्ता करने के बाद दोबारा जनाब अभी मैं नहाया हूँ क्योंकि गर्मी जनाब काफ़ी ज़्यादा है और जो मैंने कपड़े पहने थे उनमें जनाब इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, आपने शायद उस वीडियो में देखी हो या ना देखी हो लेकिन मैंने बाद में शायद पहने हो, लेकिन वो कमीज़ और सलवार मैंने पहनी तो वो बहुत ज़्यादा गर्म थी, मतलब वो कह लो कि सर्दियों वाला सूट है शायद। तो बहरहाल मैंने फिर वो उतारे, अभी ये जो है ना ये है तो थोड़े से मोटे हैं लेकिन ये है कि ये स्किन को तंग नहीं करते, ये स्किन के साथ सही हैं। बाकी जनाब वहाँ पे सामने एक ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो देखें जी ज़मीन में, वो उनकी ज़मीन में जी, ये देखें सामने, वाह जी वाह, दिल तो है जनाब जाके बंदा बैठे ऊपर और झूला शूला ले। बहरहाल असल में वो हमारा जानने वाला नहीं है ना जी, क्या ख्याल है। तो खैर जनाब अभी ये है कि अभी जनाब व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा नहीं लगा तो भी सब्सक्राइब करें क्योंकि हो सकता है आने वाला व्लॉग जो है आपको अच्छा लग जाए। मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।